हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू श्री राम्स आईएएस यूट्यूब चैनल. दिस इज़ योर मेंटर आरजू कक्कड़, वेयर डेली वी यूज़ टू मीट एंड हैव दिस सेशन ऑफ न्यूज़ एनालिसिस. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. और इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर शुरू करते हैं. दीज आर दी आर्टिकल्स दैट वी हैव टू कवर इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर सेशन. नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम कैसा प्रोग्राम है, प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. जीएस पेपर टू से भी आप इसको लिंक कर सकते हो. देन यू हैव प्रोजेक्ट कुशा. ये प्रोजेक्ट कुश किस बेसिकली किस लाइन में है, एज इन आपको ऐसे दे दिया जाएगा दिस प्रोजेक्ट वॉज इन न्यूज. अगर इतना भी पता हो कि इसका एम क्या है, दैट्स इट, राइट, तो काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं. मतलब कौन से सेक्टर से एसोसिएटेड है, इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, राइट. तो इसके बारे में जानेंगे. आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है, तो विल टेक इट अप. जीएस पेपर थ्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट, प्रोजेक्ट कुछ. तो रोड एक्सीडेंट्स, तेज ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, है ना, ये हम सबको बताया जाता है. सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, रोड सेफ्टी रूल्स, लेकिन हम करते नहीं हैं. मैं भी यहाँ पर बात करूँगी आपके साथ एक रिपोर्ट की, जिसमें डेटा कहता है कि यंगस्टर्स जो हैं 18 to 45 ईयर्स, दे आर विक्टिम्स ऑफ इट. तो देख के चलाओ. और आपके मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ये आर्टिकल, सो विल टेक इट अप इन डिटेल. इसमें हम इसके हर एक पैरामीटर को कवर करेंगे. रोड एक्सीडेंट्स बेसिकली यहाँ पर जो रिपोर्ट है, तो ये आपके जीएस पेपर टू से भी लिंक करता है और जीएस पेपर थ्री से भी लिंक करता है. आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन की कैटेगरी में डाल सकते हो. गवर्नमेंट पॉलिसीज जो इस डायरेक्शन में आई हैं एंड इंटरवेंशन, उसमें भी डाल सकते हो. क्या क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं फॉर डेवलपमेंट, है ना, व्हाट आर द इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन, देयर इम्प्लीमेंटेशन. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट आर इम्पॉर्टेंट. तो आपके मेन्स के परस्पेक्टिव से भी है, प्रिलिम्स के परस्पेक्टिव से मतलब स्टेटमेंट्स बन सकती हैं. तो रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 की रिपोर्ट के जो हाईलाइट्स हैं, वहां से स्टेटमेंट आ सकती है, तो वो हम देख लेंगे, ठीक है. देन यू हैव विजन इंडिया एट 2047. तो क्या है ये हमारा विजन, क्या फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में. कल भी हमने एक आर्टिकल देखा था, जीएस पेपर थ्री से ही लिंक करता था इंडिया की जीडीपी की, जब बात करी थी ग्रोथ की, चैलेंजेस की, अपॉर्चुनिटीज की. आई होप आपने वो सारे पॉइंट्स एक जगह नोट डाउन कर लिए हो. तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में भी प्रिलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बनती है विजन इंडिया एट 2047, और मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बनता है सवाल, चैलेंजेस क्या हैं बिफोर इंडियाज 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विजन, उसका वे फॉरवर्ड क्या है, क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ. कहीं ना कहीं चीजें ओवरलैप हो रही हैं. अगर आप कॉन्टिन्यूसली डेली ये सेशंस देख रहे हो बिना रुके, तो आप खुद से देखोगे वही सिमिलर पॉइंट्स हैं. तोड़ मरोड़ के मैं बोलूंगी डेमोग्राफिक डिविडेंड, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, डिजिटल इकोनॉमी, कुछ 7-8 पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं वो डेफिनेटली फिट हो जाते हैं. तो ये चीज समझने की है, ये चीज स्मार्ट अप्रोच की है, ठीक है. शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर विदाउट टेकिंग एनी टाइम, एंड लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट आर्टिकल, जिसमें हम विजन इंडिया 2047 की बात करते हैं, ठीक है. सो देयर यू गो विद द फर्स्ट आर्टिकल. अच्छा, शुरू करने से पहले प्लीज सेशन शेयर कर दिया करो कमेंट सेक्शन के अंदर. डू मैंशन योर फीडबैक्स कि हाउ यू आर लाइकिंग, आर यू लाइकिंग दीज लेक्चर्स, एंड कैसी चल रही है आपकी तैयारी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी. तो कीप डूइंग दैट, ठीक है. अटेंडेंस मार्क कर दिया करो बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स ऑल्सो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. और अब चलते हैं हमारे आर्टिकल की तरफ, जहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन अर्ली 2024 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ प्लान. द प्लान दैट इज टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री इंटू अ डेवलप्ड नेशन विथ 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी
बाय द टाइम इट कंप्लीट्स 100 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली विजन इंडिया एट 2047 का एम ही यही है कि आप अपनी यू टर्न द कंट्री इंटू हाईली डेवलप्ड नेशन विद अ रोबस्ट इकोनॉमी ऑफ $30 trillion बाय द टाइम वी सेलिब्रेट आर 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो इस प्लान में देर हैज बिन द प्लान हैज बिन इन प्रोग्रेस फॉर ऑलमोस्ट 2 ईयर्स, जिसमें बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से दे ऑल आर वर्किंग टुगेदर कि किस तरीके से कंट्री की डेवलपमेंट को सिग्निफिकेंटली और ज़्यादा एलिवेट किया जाए, राइट। तो नीति आयोग इज फाइनलाइजिंग दिस विजन डॉक्यूमेंट एंड दे आर सीकिंग फीडबैक ऑल्सो फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फिगर्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, चाहे वो वर्ल्ड बैंक प्रेजिडेंट हों, एप्पल सीईओ, इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हों एंड अदर लीडर्स एज वेल। तो बेसिकली बात यही है कि दे वॉन्ट टू रिफाइन द प्लान, दे वॉन्ट टू कंसिडर जो जितने भी पोटेंशियल एरियाज है दैट माइट हैव बीन ओवरलुक्ड, राइट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद विजन इंडिया 2047 प्लान। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं करंट स्टेटस पे बाद में आऊंगी। नाउ एज फार एज विजन इंडिया 2047 प्रोजेक्ट इज कंसर्न, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टेड बाय नीति आयोग, इनिशिएटेड बाय नीति आयोग द थिंक टैंक ऑफ इंडिया टू क्रिएट अ ब्लूप्रिंट फॉर इंडियाज डेवलपमेंट इन नेक्स्ट 25 ईयर्स। तो यहाँ पर इस प्रोजेक्ट का मेन गोल ही यही है टू मेक इंडिया अ ग्लोबल लीडर हर एक सेक्टर में, देखो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, टू इंश्योर कि एवरीवन इन द कंट्री एंजॉयज गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स, सोशल सपोर्ट, राइट। सो चैंपियन ऑफ एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब में। तो क्या इस पर्टिकुलर प्लान के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मैं एज आई एम होल्डिंग करंट स्टेटस मैं पहले आपके साथ ऑब्जेक्टिव्स पे आती हूँ। Now, what is the objective? What are the objectives of this particular plan? Pehla, ek big economy. Hai na? Ye toh hume pata hai, 30 trillion dollar ki economy. Ensuring ki har ek person country ke andar ek certain level, you can say, earn kare. Hai na? Toh yahan par 18,000 to 20,000 US dollar per capita income ho. Phir uske baad aap kya chahate ho? Ek world class क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इन इसका इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये, तो आप ये लिख सकते हो साथ साथ। फिर उसके बाद आप क्या चाहते हो, यू मतलब हम क्या हम चाहने का मतलब प्लान के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। मेकिंग श्योर दैट यू प्रमोट डिजिटल इकोनॉमी, जितनी ज़्यादा लेस इंटरफेरेंस हो, हम यही चाहते होते हैं ना कि एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी इंटरफेरेंस एंड प्रमोटिंग डिजिटल इकोनॉमी, गुड गवर्नेंस, इसी में ही पैरेलल में गुड गवर्नेंस, देन व्हाट ऑल यू वांट, थिंक ऑफ योरसेल्फ कि क्या इसके और क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम क्या क्या चाहते हैं। वी वांट टू क्रिएट लाइक एम क्या है, टू डेवलप लाइक 3 to 4 कंपनीज इन ईच इंडस्ट्री, जहां पर दे विल बूस्ट द इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एनकरेज इनोवेशन। तो डेवलपिंग ग्लोबल चैंपियंस, आपके हर एक सेक्टर के अंदर कुछ ग्लोबल चैंपियंस होने चाहिए जो उस पर्टिकुलर सेक्टर को बूस्ट करे, अपनी इंडिजीनियस इंडस्ट्री को, इनोवेशन को और ज्यादा बूस्ट करे। एंड देन व्हाट यू वांट, यू वांट टू बिकम सेल्फ रिलायंट, राइट। ये हमने कल भी बात करी थी, डिफेंस के सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, वी वॉन्ट टू बी सेल्फ रिलायंट, किसी पर ज़्यादा डिपेंडेंट वैसे भी नहीं होना चाहिए, राइट। देन यू नीड टू फॉस्टर ग्रीन ग्रोथ, ग्रोथ हो लेकिन सस्टेनेबल हो, राइट, क्लाइमेट एक्शन को ध्यान में रखते हुए, कार्बन एमिशंस हम कम करें। एंड वी नीड टू एम्पावर आर यूथ, नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे पॉइंट्स इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फॉरेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरिंग करना ताकि top 10 लैब्स हो कंट्री के अंदर, राइट। सो ये सारी बातें, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है। रही बात, अब बताती हूँ करंट स्टेटस की। तो करंटली ऐसा है कि इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी, इंडिया इज करंटली कंसिडर्ड द 5th largest इकोनॉमी इन नॉमिनल टर्म्स, when we measure it by the actual value of goods and services produced, nominal GDP, right? When you are using this purchasing power parity terms, PPP,
इट इंक्लूड ऑल द फैक्टर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन रेट. सो इंडिया स्टैंड्स एट थर्ड लार्जेस्ट इकोनमी इन द वर्ल्ड. एज ऑफ 2022 जो इंडिया की इकोनमी है, इट हैज़ ऑलरेडी ग्रोन टू अ पॉइंट वेयर इट सरपास्ड द जीडीपी ऑफ यूके एंड फ्रांस. हमने कल जीडीपी को लेके बहुत अच्छे से इन डिटेल में चर्चा कर ली थी उसकी, ठीक है. तो फ्यूचर में अब हम मतलब लेट्स ब्रेक डाउन द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज इकोनमी, है ना. फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स पे बात करते हैं. आप ओवरऑल देखो तो हमने कल अपनी जीडीपी की बात करी थी, ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करी. ये आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल एनालिसिस. तो बाय द ईयर 2030 कुछ प्रिडिक्शन सजेस्ट करती हैं कि इंडिया की जीडीपी माइट सरपास द इकोनॉमी ऑफ जापान एंड जर्मनी ऑल्सो, राइट. सो इट इज एस्टिमेटेड दैट द जीडीपी विल लाइकली बिकम इवन लार्जर देन अदर पॉइंट्स. और क्या आते हैं फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में, हमारे ट्रेड प्रिडिक्शंस. हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट माइट बी वैल्यूड एट अराउंड 8.67 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट. सो ये सारी चीजें हैं. देर विल बी अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज ट्रेड. देन वॉट एल्स, सोशल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट डू यू कंसीडर इन सोशल डेवलपमेंट? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड बट इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो बींग प्रोजेक्टेड. लिटरेसी रेट अच्छा हो, ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रिडिक्ट करी जा रही है कि वो इंक्रीज होगी. अभी क्या है, 67.2 ईयर्स, से यू कैन टेक इट टू 71.8 ईयर्स, राइट. देन वॉट एल्स, वट फैक्टर्स विल कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में? हम मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड. बेसिकली मैं अंडर द एज ऑफ 25 की बात कर रही हूं अभी यहां पर. तो जहां होंगे जो अंडर द एज ऑफ 25 होंगे, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दिस यूथ कैन बी अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर द इकोनॉमी. प्रॉपर एडुकेशन, प्रॉपर ट्रेनिंग विद बेस्ट ऑफ स्किल्स, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स आ सकती है दैट कैन कॉन्ट्रीब्यूट अ लॉट विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी. फिर उसके बाद और क्या फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? द ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो सिग्निफिकेंटली. मतलब मोर एंड मोर पीपल विल हैव एनफ इनकम टू अफोर्ड बेटर गुड्स सर्विसेस, राइट. डिजिटल इकोनॉमी में बूम, दिस फैक्टर विल कॉन्ट्रीब्यूट. इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर हो. नाउ ये सब पता चल गया, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी है, ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट भी करेंगे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हर बार देखते तो है हम, और यही चैलेंजेस फिर इस पे हम काम करते हैं. चैलेंजेस क्या है? मिडिल इनकम ट्रैप. नाउ व्हाट इज दिस मिडिल इनकम ट्रैप? This trap occurs when a country, after reaching a certain income level, they struggle to grow its economy further. It might be ki loss of competitiveness ho jaye ya cost increase ho jaye. Yahan par fir hard ho jata hai for a country to become a high income nation. Ek point ke baad agar aap mein koi improvement nahi ho rahi, matlab ye point aa jata hai ki fir uske baad aap struggle karte ho to grow your economy further, right? Population aging, ये भी चैलेंज है. इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज, राइट, एंड इट्स एक्सपेक्टेड टू कीप ग्रोइंग अंटिल अराउंड 2048. हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ेगी, नीड होगी ज्यादा पेंशन के लिए, शॉर्टेज होगी वर्कफोर्स की ड्यू टू ओल्डर पॉपुलेशन. सो दीज आर दी चैलेंजेस. एक हाई ग्रोथ को सस्टेन करना इज द चैलेंज. थर्ड पॉइंट, जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज भी हो सकती हैं. जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती हैं, है ना. चाइना, पाकिस्तान, यूएस, रशिया, आपके मेजर पावर्स के साथ भी रिलेशनशिप कैसे है, ये डायनेमिक है, चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है. एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर चैलेंजेस, राइट. लो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये दिक्कतें आपका. अब आप इसको अपने सॉल्यूशंस में टर्न करो. व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? चैलेंजेस पता चल गए, यू कैन राइट इट डाउन हाउ. Now last, coming to way forward.
देखो, वे फॉरवर्ड ऐसा है, बहुत से गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस हैं दैट आर ओफन इनएफिशियंट, या बोल लो कि वहाँ करप्शन है या फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं. सो बाय सेलिंग ऑफ, प्राइवेटाइजिंग सम ऑफ द स्टेट ओन एंटरप्राइजेस, इंडिया कैन जनरेट फंड्स, इंडिया कैन एनहैंस एफिशिएंसी, इंडिया कैन अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट. तो यू कैन फर्स्ट टेक इट एज प्राइवेटाइजेशन, राइट? इससे काफ़ी लोग अग्री करेंगे, काफ़ी डिसअग्री भी करेंगे. नाउ व्हाट इज योर टेक? इट्स कम्प्लीटली योर्स. यू कैन मैंशन अदर पॉइंट्स एज वेल. मिडिल क्लास की जब हम बात कर रहे थे, तो बूस्ट मिडिल क्लास है ना, इट इज ऑल्सो वे फॉरवर्ड. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ. जैसे टैक्स रेट्स होते हैं, यू कैन रिड्यूस इट टू सर्टेन लेवल, राइट? दे फेस हाई टैक्सेस, दे टेंड टू सेव लेस. अब वहां पर कंजम्पशन टैक्स, मतलब बेसिकली मेक श्योर दैट इनकम ऑफ द मिडिल क्लास कुड इंक्रीज, मेक द टैक्स सिस्टम, यू नीड टू सिंप्लीफाई इट मोर, यू रिड्यूस टैक्स इवेजन्स, स्पेंडिंग पावर बूस्ट करनी है, राइट? इंक्रीजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वेल ट्रेन्ड स्किल्ड वर्कर्स वर्कफोर्स होगी, एंड इनिशिएटिव्स लाइक इस डायरेक्शन में हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, स्किल इंडिया मिशन है, दे आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन. फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक्सिलरेट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम को बूस्ट करते हैं, है कि नहीं? डिफेंस में, फार्मास्यूटिकल्स में, टेक्सटाइल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारी PLI स्कीम है टू एनहांस द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट? लेबर लॉज, बिजनेस एनवायरमेंट, वी नीड टू इम्प्रूव इट, वी नीड टू अट्रैक्ट मोर डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा इंकरेज करते हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं. कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, सो यू कैन मैंशन दैट, ठीक है? ये सारे पॉइंट्स आपके मेंस के लिए भी काम आएंगे, आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे. सॉर्टेड है? देन मूविंग ऑन टू द अदर आर्टिकल, दैट इज नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम. एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड लॉन्च्ड इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम एंड एनर्जी एफिशिएंट फैंस प्रोग्राम. नाउ व्हाट आर दीज प्रोग्राम्स? लेट्स टॉक अबाउट नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम. नाम से ही पता चल रहा है, क्लीन कुकिंग करनी है. इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स, दैट इज अलाइनिंग विद द जियो इलेक्ट्रिक इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर. सो दिस प्रोग्राम इंट्रोड्यूसेस इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव्स. इट विल वर्क, इट एम्स टू. आप बोलोगे कि बिजली ज्यादा खर्च होती है, बट यहां पर अगर आप, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आप सोलर पावर से जनरेट कर रहे हो, इस पे पीछे एक आर्टिकल भी आया था कि दे मतलब कैसे इंडक्शन बेस्ड कुक स्टोव जो हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट? इलेक्ट्रिसिटी को सब कंसर्न में रखते हुए भी दे आर लेस, मतलब आपको लगता है खर्चा ज़्यादा होगा बट खर्चा कम होता है, चीज़ें सेव कर सकते हो आप. यू कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन योर कुकिंग प्रैक्टिसेस. तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इस प्रोग्राम का है टू डिप्लॉय 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव्स अक्रॉस इंडिया. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ कुकिंग मेथड को कम करना है, क्लीन एयर और इवन हेल्थ ऑफ द सिटीजन्स को इम्प्रूव करना है. तो EESL हैज पार्टनर्ड विद MECS, मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विसेज, फॉर द लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट ऑफ दीज इंडक्शन कुक टॉप्स, राइट? सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एडॉप्शन लानी ऑफ दीज इलेक्ट्रिक कुकिंग डिवाइसेज इन इंडियन किचन्स, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So the program offers a very cost advantage of 25 to 30% of advantage over the traditional cooking methods. Energy saving भी होती है, cost effective cooking solution भी है for the households. But वही है ना, adopt करना. Then key facts about Energy Efficiency Services Limited, यहाँ से आपके direct facts बन सकते हैं prelims के point of view से. So इसको भी देख लेते हैं. EESL is a company, सिंपल टर्म्स में बोलूं, प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है? इट इज अ जॉइंट वेंचर इन्वॉल्विंग 4 मेजर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, NTPC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 1956. मिशन क्या है?
इट वॉज क्रिएटेड विद द गोल ऑफ फैसिलिटेटिंग एक्सेस टू एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज. प्राइमरी फोकस क्या है? ऑन इम्प्लीमेंटिंग वेरियस एनर्जी एफिशिएंट स्कीम्स especially in public facilities, municipalities, buildings, agriculture, industries, and it works closely with Bureau of Energy Efficiency. Right? So, it is also leading the market-related activities of National Mission for Enhanced Energy Efficiency. Now, Project Kush, in a significant move towards enhancing air defense capabilities, बहुत important air defense capabilities को enhance करने के process में, project में, India is on this ambitious project, that is Project Kush. क्या है ये Project Kush? इसका objective क्या है? ये तो पता चल गया, India की air defense capabilities को enhance करने के लिए, specifically for the Indian Air Force. So, it involves the development of long-range air defense system, especially for Indian Air Force, with deployment targeted 2028-2029. Right? This project is being developed by DRDO. Budget 21,700 crore. तो ये हमने इसराइलीज का अभी आयरन डोम, अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, राइट? तो उसी के पैरेलल में, इज कंपेयर टू इसराइलीज एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, इंडिकेटिंग दैट इट मे नॉट जस्ट मैच इट बट इट विल सरपास इट्स कैपेबिलिटीज ऑल्सो. जहां पर सामने वाले का अगर कोई भी एयरबोर्न थ्रेट आ रहा है तो यहां से एक मिसाइल निकले और उसको वहीं पर खत्म कर दे. सो प्रोजेक्ट कुश इज टू डिटेक्ट and destroy the airborne threats like missiles and fighter jets, drones, especially at that extended range. ठीक है? Now let's talk about certain features. The long range surface to air defense system includes advanced surveillance, चाहिए रहेगा ना, radars, fire control radars. The system incorporates interceptor missiles, जिसकी अलग अलग रेंज है, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर एंड 350 किलोमीटर. एंड दिस डाइवर्सिटी एनेबल्स इट टू डिटेक्ट, टू एंगेज द हॉस्टाइल टारगेट्स एट वेरियस डिस्टेंसेस. सो प्रोजेक्ट कुश सर्व्स बोथ स्ट्रैटेजिक एंड टेक्टिकल डिफेंस पर्पसेस, ऑफरिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरबोर्न थ्रेट्स. ठीक है? Then the last article of today's lecture regarding the road accidents. Ministry of Road Transport and Highways published a report, Road Accidents in India, shedding the light on the concerning trends in road accidents and the fatalities. देखो ध्यान से चलाया करो, जिंदगी एक ही है, बहुत कीमती है, बहुत प्यारी है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, बहुत अच्छा अच्छा अचीव करना है. तो this information in the report, अगर उन्होंने पूछा ये कहाँ से गैदर्ड होती है, फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट्स, एंड दिस डेटा दैट इज कलेक्टेड एनुअली इन अ स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एज पर द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, विच इज अंडर द एशिया पैसिफिक रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट. हमारे लिए इंपॉर्टेंट है हाईलाइट्स. हाईलाइट ये कहते हैं कि अगर मैं प्रीवियस ईयर का कंपैरिजन करूं तो देयर हैज बीन अ 11.9% इंक्रीज इन द एक्सीडेंट्स, 9.4% राइज इन फैटलिटीज, 15.3% सर्ज इन द नंबर ऑफ पीपल गेटिंग इंजर्ड, 32.9% जो एक्सीडेंट्स होते हैं दे आर ऑन नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज, 23% स्टेट हाईवेज, 15 and rest you say 43% on the remaining other roads, right? Young adults between lagao 18 to 45 years jo main baat kar hi rahi thi accounted for, they are like 66.5% of the victims in road accidents. अगर मैं रूरल वर्सेस अर्बन एक्सीडेंट की भी बात करूं तो 68% जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं वो रूरल एरियाज के अंदर होते हैं, और अर्बन एरियाज में 32%, मतलब लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ रोड एक्सीडेंट अकर्ड इन द रूरल सेटिंग्स.
टू व्हीलर्स होते, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, दे अकाउंट फॉर द हाईएस्ट शेयर इन द टोटल एक्सीडेंट्स, टू व्हीलर्स, राइट। अगर मैं स्टेट स्पेसिफिक की बात करूं तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं? तमिलनाडु में। फिर उसके बाद एमपी में, राइट। सो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान में रख लोगे तो काम आ जाएंगी। एंड हमारे लिए थोड़ा सा अगर मैं बात करूं, व्हाट आर द मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय द मिनिस्ट्री, उस पे बात कर लेते हैं कि क्या किया जा सकता है। सिंपल है, पहले तो अवेयरनेस विद एडुकेशन, अवेयरनेस अबाउट रोड सेफ्टी, अवेयरनेस कैंपेन सोशल मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, प्राइवेट फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू डिफरेंट एजेंसीज टू प्रमोट रोड सेफ्टी एडवोकेसी, देन इंजीनियरिंग मेजर्स। मैं लिख रही हूं, आप इसीलिए लिख रही हूं ताकि आप मेरे साथ साथ लिखो। रोड सेफ्टी इज अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट दैट शुड बी कंसीडर्ड एंड दैट इज कंसीडर्ड ड्यूरिंग द रोड डिजाइन फेज। रोड सेफ्टी ऑडिट्स आर मैंडेटरी फॉर ऑल द हाईवे प्रोजेक्ट्स एट एवरी स्टेज, राइट, टू रेक्टिफाई दी पोटेंशियल सेफ्टी इशूज। एयर बैग्स फॉर द फ्रंट पैसेंजर सिटिंग नेक्स्ट टू द ड्राइवर इज कंपल्सरी, राइट। देन एनफोर्समेंट इनिशिएटिव्स, फॉर मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंट्रोड्यूस वेरियस प्रोविजन्स दैट वर रिलेटेड टू कि भैया इम्प्रूव रोड सेफ्टी, इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट पेनल्टीज। हेलमेट तो डालते नहीं है, तो ये चीजें खुद से आती है। अगर किसी के डर से आप बस सामने 2 मिनट के लिए हेलमेट डाल लो तो क्या फायदा उस चीज का? खुद से आना चाहिए, यू शुड बी अवेयर एंड मेक अदर्स अवेयर। खुद भी डालो, और जो आपके पार्टनर्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी बोलो कि हेलमेट पहन के जाओ, राइट। कार चलाओ तो सीट बेल्ट पहनो। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स। चलो एनीवेज, इस सेशन को यहीं सम अप करते हैं। विल मीट यू ऑन मंडे विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आज सैटरडे है, मंडे टू सैटरडे जितना भी हमने इस वीक में कवर किया है, कल संडे है, रिवाइज जरूर कर लेना। इस पर्टिकुलर एडवाइस को लाइटली मत लो, नहीं तो जितना भी करते हो सब पानी में चला जाएगा। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी वीकली रिवीजन। तो मतलब रिवीजन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, फिर वो चाहे मंथली हो, वीकली हो, डेली बेसिस पे हो, उसको इग्नोर मत करो, राइट। विल मीट यू ऑन मंडे देन। दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस योर फीडबैक्स विद रिस्पेक्ट टू दीज लेक्चर्स। डू शेयर इट, मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स। थैंक यू एवरीवन, गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।